Family, let's talk about your family. Of the two of us, I am the only one doing a goddamn... बावल लफड़ा हो गया है जिम एंड जेड के बीच में, वो भी किसके चक्कर से? टैविथा के चक्कर से। होता है बाबा, होता है। दो मर्दों के बीच में एक औरत आती है तो ऐसे ही अननेसेसरी झगड़े देखने को मिलते हैं, जबकि जिम चूतिया को ये नहीं पता कि खुद टैविथा जेड के पास आई थी सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना? हम तुम सबने देखा ये चीजें पिछले एपिसोड में, जब आंकुई चिल्ड्रन अगेन टैविथा के उसके घर में देखने को मिले थे ऊपर टेरिस में, और टैविथा तुरंत भागकर जेड के पास गई थी अपने बेटे ईथन के साथ, और ईथन के लिए तो सिफारिश भी लगाई थी कि ये तुम्हारी हेल्प कर देगा पजल सॉल्व आउट करने के लिए। देखो, क्लिप बहुत बड़ी लीक हुई है, मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि इस साले ये मजा खराब कर देते हैं, और फिर मजबूरन थ्योरीज की तरफ ध्यान जाने लगता है, और हम थ्योरी सेट करने लग जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा और डिग आउट करते हैं और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन फिर थ्योरी का सिलसिला यूं ही शुरू हो जाता है, और ऐसी बातें करते करते हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि स्पॉयलर भी चिपक जाता है। तो बाबा मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत स्पॉयलर आपको मिल सकता है इस वीडियो में, तो अपनी जिम्मेदारी में इस वीडियो को आगे देखें, मुझे बाद में गाली मत दीजिएगा, लेकिन इस शो के मेकर ही इतने केयरलेस हैं कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये लीक करवा डाल रहे हैं। वैसे भी लोगों को एक्चुअली स्टोरी से पहले ही जानना होता है सब कुछ कि आखिर हमें मिलने क्या वाला है आगे, तो लेट्स स्टार्ट बाबा, डोंट टेक टू मच बर्डन, बाकी मैं मर्यादा में रहकर ही स्पॉइलर देता हूं। क्लिप शायद बहुत लोगों ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है और देखने का मन है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, तो जो बंदा नया है ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी मैं आपको बता दूं, बस जिम फ्रस्ट्रेट है क्योंकि जेड टैविथा एंड ईथन उस ओल्ड सेटलमेंट पर चले गए थे और ये बात जिम को नहीं पता थी, और टाउन आते ही उसने जेड को हिट किया कि प्लीज कीप साइड माय ऑल फैमिली फ्रॉम दिस फकिंग सीट, वही बात कि तुझे मसीहा बनना है तू बन, टैविथा को इन सब चक्करों में मत डाल, और उसके कान में ऐसी बातें तो बिल्कुल भी मत भर कि यू आर चोजन फॉर दिस फकिंग सीट, क्योंकि पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो जेड ने उस सेटलमेंट प्लेस पर टैविथा से ये बोला था, जब टैविथा ने अपने उस ड्रीम के बारे में मेंशन किया था जब वो छोटी बच्ची थी, एंड देन जेड ने टैविथा को हार्डली कंपेयर किया था मिरांडा से, एंड एवरीवन नोज मिरांडा इस टाउन की गुत्थी सुलझाने के लिए कितनी कोशिश करती है बट नाकाम रही वो। तो जिम बस इसी चीज से नाराज देखने को मिल रहा है क्योंकि वो अपनी वाइफ टैविथा को खोने का रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता है, और हार्डली मेंशन करता है जेड को कि तुझे ये जो हेरोइक शो ऑफ थिंग्स करना है तो तू कर, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत कर, तुझे बनना है मसीहा तू बन। तो बाबा यही गर्मा गर्मी बहस इस क्लिप में हमें देखने को मिली है जेड एंड जिम के बीच में। नाउ टॉक अबाउट सम थ्योरीज, थोड़ा स्टोरी प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे क्या मंजर देखने को मिल सकता है इस इंसिडेंट के बाद। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हुई है भले देखने में बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन बाबा यहाँ से मेकर का कुछ अलग प्लान हो सकता है, स्टोरी ट्विस्ट होगी मे बी, क्योंकि ये एवं इतनी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, जिसके बाद मेकर हम तुम लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? इस आर्ग्यूमेंट के बाद डेफिनेटली जिम और टैविथा के बीच में भी आर्ग्यूमेंट होगी अगेन, जैसे पिछले एपिसोड में हुई थी स्टार्टिंग में, और टैविथा एंड जिम के बीच में थोड़ी दूरी देखने को भी मिल सकती है, एंड इसी मोमेंट में टैविथा जेड के करीब जाते दिख सकती है हमको। ऐसा ही होता है नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि टैविथा एंड जेड दोनों का हार्ट पर्पस एक ही है, इस फ्रॉमविले टाउन को कैसे डिकोड करना है। दूसरा, उन दोनों की लाइफ में पास्ट में बहुत से सिमिलर मोमेंट भी हुए हैं, इंसिडेंट भी हुए हैं, तो डेफिनेटली वो एक नेचुरल क्लोजर दोनों के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। और यहां मे बी मेकर अपना सॉलिड चाल चल सकते हैं, क्योंकि बाबा कुछ सूत्रों से पता चला है, और क्योंकि एपिसोड 8 कुछ पास्ट कनेक्शन का मेंशन होगा, और इस एपिसोड का नाम भी यही है थ्रेशहोल्ड्स, और बाबा थ्रेशहोल्ड से मैं यही समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है अब उसका खुलने का टाइम आ गया। बाबा इट जस्ट प्रिडिक्शन एंड थ्योरी, सुनने में आया है पास में जेड एंड टैविथा हस्बैंड एंड वाइफ थे, यानी पिछले जन्म में जिनका पुनर्जन्म हुआ है, और इस टाउन यानी फ्रॉमविले टाउन से ही बहुत बड़ा कनेक्शन इन दोनों का था, और इस जन्म में भले शरीर अलग है, टाइम पीरियड अलग है, लेकिन पर्पस इनका सेम ही है, इस टाउन के कर्ज को खत्म करने का और यहाँ के लोगों को आज़ाद करने का, वरना ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। तो देखते हैं बाबा ये र्यूमर कितना सच होता है, क्योंकि अगर ऐसी हार्ड आर्ग्यूमेंट जिम एंड जेड के बीच में देखने को मिल रही है तो नो डाउट मेकर इस एंगल के लिए एक आगे जबरदस्त स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं। तो देखते हैं एपिसोड 8 में हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा। बाकी बाबा वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी ये जो भी बातें होती है इसे थ्योरी एंड प्रिडिक्शन लेकर ही चला करो, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है हमें एपिसोड्स में तो बाबा ठीक है, खुद को ब्लेस कर लेना, और बस ब्लेस कर लेना कि मुझे तो ये सब पता ही था। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है सिटाडेल हनी बनी का वेब सीरीज रिव्यू, क्योंकि बहुत दमदार वेब सीरीज है भाई वो, और वो कल सुबह मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।